अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप में लेवल्स के ऑप्शन का क्या काम है। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप चलाएंगे। आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप खुल गया है। अब हम कोई इमेज ओपन करेंगे, कोई सी भी इमेज हो सकती है। ये देखिए आपके सामने एक इमेज ओपन हो चुकी है और ये इस इमेज की लेयर बन गई है। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इस बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आप लेवल्स का ऑप्शन, इसे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेवल्स की लेयर बन चुकी है और आपके पास तीन कंट्रोलर्स अवेलेबल हो चुके हैं। यह है वाइटनेस का कंट्रोलर, यह है ब्राइटनेस का कंट्रोलर और ये है शेडो का कंट्रोलर। वाइटनेस और ब्राइटनेस, इन दोनों कंट्रोलर्स को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी और राइट साइड पे इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। जबकि जो है शेडो के कंट्रोलर को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो शेडो कम होंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे तो शेडो बढ़ेंगे। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इन तीनों का काम। ये देखिए मैं शेडो को मूव करता हूँ और इमेज में शेडोज़ इंक्रीज़ हो गए, आप देख सकते हैं। अब शेडोज़ को मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, ये देखिए इमेज अगेन नॉर्मल हो गई है। अब मैं जो है ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। यह है नॉर्मल इमेज और ये देखिए ये ब्राइट हो चुकी है, इमेज की ब्राइटनेस बढ़ गई है उसे बढ़ाने से। मैं इसे फिर से नॉर्मल ले आता हूँ। अब यह है वाइटनेस, इसे बढ़ाने से जो इमेज में वाइट वाइट एरिया या इमेज की जो लाइट है वाइट, वो बढ़ेगी। ये देखिएगा ये इंक्रीज़ किया, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये वाइटनेस इसकी बढ़ गई है इमेज की। और अब इसे काम करने से ये देखिए ये डिक्रीज़ अगेन नॉर्मल लेवल पे आ गई है। ये काम है लेवल्स का एडोब फोटोशॉप CS6 में।